सैकड़ों साल पुराना परंपरा आज भी पूर्वांचल में कायम है। गोवर्धन पूजा के बाद कुंवारी लड़कियां घर में सुख शांति के लिए एक महीने तक पीड़िया की पूजा करती हैं, जिसके बाद नदी में उसका विसर्जन करती हैं। पीड़िया गोवर्धन पूजा के प्रयोग होने वाले गोबर से बनाई जाती है, जिसका छोटा छोटा पिंड लड़कियों के द्वारा बनाया जाता है और वे एक महीने तक उस पिंड का लड़कियाँ पूजा करती हैं। नित्य शाम को पूजा के बाद भक्ति गाना गाती हैं, जो परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। यह पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार राज्यों में ज़्यादातर मनाया जाता है, जिसका पौराणिक मान्यता है कि बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए सब करती हैं। आज बैकुंठपुर पीड़िया मेला में हजारों की संख्या में पहुंची लड़कियों ने छोटी गंडक नदी में पिंडे का विसर्जन किया और मेला का आनंद लिया। बरियारपुर थाने की पुलिस लड़कियों के सुरक्षा के लिए मौजूद रही। बैकुंठपुर में यह मेला हर वर्ष लगता है, जहां 10 गांव से ज्यादा की लड़कियां आती हैं। इस मेले में डीजे की धुन पर झूमते हुए मेला स्थान पर पहुंचे, जहां पीड़िया के विसर्जन उपरांत अपने व्रत तोड़े। यह पर्व लड़कियों के पर्व के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो मेला लगता है, कैसी मेला और कैसी मेला? यहाँ की पीड़िया के मेला जो है बहुत परंपरा, पुरानी परंपरा है, बहुत वर्षों से लगती है और काफी भीड़ होता है। और यहाँ प्रशासन भी रहती है, कांस्टेबल, एसआई, लेडीज पुलिस सब लोग रहते हैं सुरक्षा के बल। इस मेले में कहाँ कहाँ से लड़कियाँ आती हैं? यहाँ पे मेले पे मीर देवरिया से लेके कुकुंदू से लेके सिसई तक लोग आते हैं। यहाँ पे कहाँ मेला लगता है? ये मेला लगता है मुक्ति धाम पे, पवारी महाराज। ये मेला जो है बैकुंठपुर में लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार चौरसिया है।